तो दोस्तों आज है ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का एपिसोड सेकंड। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहला एपिसोड बन चुका है, आज ये सेकंड दूसरा एपिसोड है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ वैरायटी जितनी भी होती हैं वो सारी कुछ वैरायटी यहाँ पे टाइप्स जितनी भी होंगी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को बिना बिग बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यदि बात की जाए तो इनको दो कैटेगरी के रूप में बांटा जाता है। अब दो कैटेगरी वो कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि डेटा हैंडल करने की जिनकी क्षमता होती है उसके आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो तीन भाग होते हैं तो मैं यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे थिकनेस भी थोड़ी। तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। ये देखिए जो कंप्यूटर को बांटा जा रहा है तीन भागों में, ये बांटा जा रहा है डेटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज के आधार पर, यानी कि डेटा हैंडल करने की जो क्षमता है उसके आधार पर जो है कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज के आधार पर इनको तीन भागों में बांटकर इनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर की यदि बात करी जाए तो ये आपके जो देखा जाता होगा, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल्स में क्या होता है, वो मीटर जो लगा होता है जो ऊपर आपका स्पीड बताता रहता है, तो वो एनालॉग होता है। यानी कि मोटरसाइकिल की स्पीड जितनी ज़्यादा है या फिर किसी भी वाहन व्हीसल की आप स्पीड देख लीजिए, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मोटरसाइकिल का। तो जब मोटरसाइकिल की स्पीड आप जब जितनी ज़्यादा बढ़ाते हो उतनी ज़्यादा आपकी जो है मीटर बताता रहता है, तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। यानी कि जैसा जैसे आपने काम किया वैसा वैसा उसमें दिखाएगा, ये डेटा जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। यहाँ पे हमने जो बेसिक चीज़ें थी एनालॉग कंप्यूटर की हमने समझी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं प्रोसेस करने के लिए एनालॉग डाटा, ठीक है। यानी कि मतलब आप इसे समझ लीजिए कि बाहरी डाटा एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि जैसे यही मैंने बताया था आपको मीटर वाला, तो उसमें जैसे जैसे मतलब चेंज होगा वैसे वैसे मीटर भी बताता रहेगा, तो वो एनालॉग डाटा का एक तरीके से टाइप समझ सकते हो। एनालॉग डाटा इज कंटिन्यूअस डाटा। एनालॉग जो डाटा होता है वो एक सतत डाटा होता है, यानी कि चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। एनालॉग डाटा इज अ कंटिन्यूअस डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। यहाँ पे ये दिखाया गया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि इसमें जो है एनालॉग जो डेटा होता है वो सतत होता है ना कि असतत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनालॉग डेटा है उसकी कोई वैल्यू जो होती है वो डिस्क्रीट नहीं होगी, ठीक है, मतलब एक क्रम में होगी। कंटिन्यूअस का मतलब ये है एक क्रम में होगी कंटिन्यूअस, जिसको हम हिंदी में सतत कहते हैं, जबकि डिस्क्रीट में नहीं होगी, ठीक है ना, जिसका मतलब असतत कि अरे बड़े कुछ भी दिखा दे, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होगी, एक कंटिन्यूअस डेटा होता है एनालॉग डेटा में शो किया जाता है। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑलवेज। तो एनालॉग डेटा का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, मतलब एक तरीके से अंदाजा लग जाए तो बस एनालॉग कंप्यूटर लगा दो, ठीक है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल दिए हैं सच एज स्पीड आप किसी की भी मान सकते हो, टेम्परेचर, हमें तापमान किसी का चाहिए होता है, ये थोड़ा ना कि एकदम पूरा एकदम वही बताओ कि उसमें कुछ एरर हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट नहीं होती, मतलब एक अंदाजा लग जाए, ठीक है, बस बात चली गई। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, दाब एंड करंट। करंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब वोल्टेज, एम्पियर, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने दूसरी साइड नहीं बुक किया, तो एनालॉग कंप्यूटर को पहले समझ लीजिए बढ़िया से। एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइसेस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू द एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है डेटा को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, किससे एक्सेप्ट करते हैं, मेजरिंग डिवाइस, नापने वाली डिवाइसेस से, ठीक है ना, विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स। यहाँ पे देखिए इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो जो मेजर डिवाइस से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं उसको नंबर्स में नहीं बदलते हैं, विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट टू इनटू नंबर्स एंड कोड्स, ठीक है। ये अब क्यों कहा जा रहा है ये आपको डिजिटल कंप्यूटर में पता चलेगा। दे मेजर्स द कंटिन्यूअस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में जो है ये चेंज को मापते हैं, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मीटर पर सेकेंड, समझ गए। एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल आर स्केल, मतलब रीडिंग जो दिखाते हैं ये, ठीक है, और या तो स्केल पर दिखा देंगे, ठीक है, वही बताया जा रहा है। स्पीडोमीटर एंड मरकरी थर्मोमीटर आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर।
स्पीडोमीटर यानी कि जो आपके वाहन में लगे होते हैं मीटर कि कितनी रफ्तार से चल रही है, एंड मरकरी थर्मोमीटर। अब यहाँ पे ये मरकरी थर्मोमीटर दरअसल और कुछ नहीं है, ये दरअसल थर्मामीटर ही है जो आप यूज करते हो। दरअसल उसमें मरकरी भरी होती है यानी कि पारा भरा रहता है जिसके आधार पर आपका टेम्परेचर जो होता है वो बता दिया जाता है, ठीक है, उसमें कोई नया नहीं है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए, स्पीडोमीटर एंड मरकरी मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है ना। स्पीडोमीटर का मतलब उसी से है, रिजोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम मीटर जो होता है आपकी गाड़ियों में लगा रहता है, ठीक है। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के एडवांटेज क्या होते हैं यानी कि फायदा क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं। इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशंस, क्या मतलब हुआ, ये जो है बिल्कुल करेक्ट टाइम पे जो चल रहा है उस पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो गणनाएं हो रही हैं, कंप्यूटेशंस ऑपरेशंस अर्थात संक्रियाएं, कंप्यूटेशंस यानी गणनाएं, एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डेटा विद इन द रेंज ऑफ द एनालॉग मशीन। एनालॉग मशीन के रेंज में जितना भी डेटा आता है कंप्यूटेशन एंड ऑपरेशन रियल टाइम में जो भी होता है वो कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करता रहता है। इन सम एप्लीकेशंस इट अलाउज परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट्स और आउटपुट टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है ये अलाउ करता है जो परफॉर्म करने का कैलकुलेशन को विदाउट हेल्प ट्रांसड्यूसर के, ठीक है। डायरेक्ट आपका जो इनपुट या आउटपुट होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देता है। द प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर द डायनेमिक रेंज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इन टू द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द एरर्स एंड दियर इफेक्ट्स। ये मतलब एक तरीके से प्रोग्रामर को जो है इसमें जो है इसके प्रोग्राम जो भी प्रॉब्लम होती हैं, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, वो एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर जो है वो प्रोवाइड कराता है उस प्रॉब्लम को समझने और उनके एरर को समझने के लिए, ठीक है, जो एनालॉग कंप्यूटर में होती हैं। टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर की यदि बात की जाए तो टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर की यहाँ पे कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्लाइड रूल की बात की जाए तो स्लाइड रूल आप ये जो है पिक्चर आपके सामने देख सकते हैं, ये स्लाइड रूल होता है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट इज मेड ऑफ टू रॉड्स टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। द हाईएस्ट रॉड इज स्लिड टू लाइन अप विद द मार्किंग ऑन अनदर रॉड। यहाँ पे देखिए यही है, ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है स्लाइड रूल, दरअसल ये कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एनालाइजर। इट वॉज डेवलप टू परफॉर्म डिफरेंशियल कैलकुलेशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिफरेंशियल एनालाइजर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है डिफरेंशियल एनालाइजर। और ये किस तरह किस काम के लिए है, स्लाइड रूल जो है उस साधारण आपके मतलब स्लाइड रूल जो था वो मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था, जबकि जो ये डिफरेंशियल एनालाइजर है ये जो है डेवलप किया गया है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलेशन। डिफरेंशियल कैलकुलेशन किस टाइप की कैलकुलेशन को कहा जाता है, तो आपने यदि पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, इस तरह की जो कैलकुलेशन होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये डी वाई बटे डी एक्स जो होती हैं इस तरह की जो कैलकुलेशन होती हैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन के अंतर्गत आती हैं। इट परफॉर्म्स इंटीग्रेशन यूजिंग, देखिए यहाँ पे एक चीज़ जरूर बताई गई है कि डिफरेंशियल के साथ साथ ये जो है इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर लेता है। इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन किस टाइप की होती हैं, यदि आपने पढ़ा होगा तो इस टाइप की कुछ कैलकुलेशन होती हैं जो एक एक्स वाई, हालांकि मैथ की क्लास नहीं चल रही लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशियल में क्या होता है, ये स्लोप की जो एक स्टैटिक बिंदु पर कि किस रफ्तार से एक स्टैटिक बिंदु पर, इसको हम डी वाई बटे डी एक्स से निकालते हैं, जबकि यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स से निकाला जाता है, इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन की मेथड से सॉल्व करते हैं। ये दरअसल क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है, मेरा काम वो नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो और इस तरह की जो कैलकुलेशन होती हैं इंटीग्रेशन, वो कैलकुलेशन आपकी ऐसे देखने को मिलेंगी जब आप इस तरह वाली देखते होगे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि जो एक्स वाई एक्सिस में इस कर्व के अंतर्गत जो भी एरिया कवर हो रहा है उसका मुझे जोड़ करके बताइए, तो इसको हम इंटीग्रेशन या समाकलन और कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल एनालाइजर करता क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल, छोड़ो। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कॉस्टल क्लॉक। कॉस्टल क्लॉक जो है सकल इसकी इस तरह की होती है, ये आपने देखा होगा उसमें स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कॉस्टल क्लॉक इसको कहते हैं, ठीक है। तो
कास्टल क्लॉक, इट वॉज इन्वेंटेड बाई अल जराजी, अल जराजी के द्वारा ये जो है इन्वेंट की गई थी। इट वॉज एबल टू सेव प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, ये जो है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है। इट्स हाइट वाज अराउंड 11 फीट, इसकी जो ऊंचाई है वो कम से कम 11 फीट, एंड इट वाज प्रोवाइडेड विद द डिस्प्ले ऑफ टाइम, ये आपको टाइम दिखाती है, द जोडियक एंड द सोलर एंड लूनर ऑर्बिट्स, और जो सौर सिस्टम है और जो लूनर ऑर्बिट्स है उनकी भी जानकारी यहाँ पे देती है। दिस डिवाइस आल्सो कुड अलाउ यूजर्स टू सेट द लेंथ ऑफ द डे एज पर द करेंट सीजन, यह जो डिवाइस है वो आपको अलाउ करती है यूजर्स को सेट करने के लिए लेंथ, मतलब डे में और करंट सीजन क्या चल रहा है, मतलब किस सीजन कौन सा सीजन चल रहा है और डे की लेंथ क्या है, इस तरह की जितनी सारी चीज़ें एक गाड़ी में होनी चाहिए, एक एडवांस गाड़ी में होनी चाहिए, वो कॉस्टल क्लॉक आपका कर देती है। स्टेशन पर आपने इस तरह की कॉस्टल क्लॉक लगी देखी होंगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर होता है। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो थ्रू कैपेसिटर्स एंड रजिस्टर्स टू साइमल्टेट फिजिकल फिनोमिना। यहाँ पे देखिए जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, फिनोमिना होते हैं, उनको समझने के लिए जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं कैपेसिटर्स की मदद से। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होता है, आप ऐसे मान लीजिए जो आपको, मान लीजिए आपको करंट एक कोई, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए घर का पंखा है, ठीक है, उस पंखे को आपको हाई स्पीड में, मतलब जब स्टार्ट होता है तो उसको हाई स्पीड में चाहिए होता है, मतलब करंट चाहिए होता है, तो उसमें आपसे कहा जाता है कि इसमें कंडेंसर लगा दीजिए, तो वो कंडेंसर जो आप अक्सर सुनते होंगे, दरअसल वो कंडेंसर नहीं, वो कैपेसिटर होता है, जो आपके जो पंखा है उसको जब वो स्टार्ट होता है उसको एक हाई स्पीड में करंट को जो है देता है, ये कैपेसिटर्स का काम होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक तरीके से करंट प्रतिरोधक होता है, यानी कि करंट को जो है वो डाउन कर देता है और उसके करंट के मार्ग में फ्लो में एक प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, इसी को हम रजिस्टर्स कहते हैं। और जो एकदम तेज गति से हमें करंट कहीं पे फ्लो कराना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, हम कैपेसिटर्स का उपयोग करते हैं। तो इनके दोनों का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का जो है फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। हियर द मैकेनिकल इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टेक प्लेस, द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट द क्रिएट डिस्प्ले। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है जनरेट करता है, डिस्प्ले पे दिखाता है, ठीक है ना, वोल्टेज के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हमने पहले टाइप का कंप्यूटर देख लिया जो था डेटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज के आधार पर तीन तरह का कंप्यूटर होते हैं, जिसमें मैंने एनालॉग कंप्यूटर देखा। डिजिटल कंप्यूटर अब हम देखने वाले हैं। डिजिटल कंप्यूटर हम इससे पहले देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उस बुक को यदि आपको यहां पे परचेज करना चाहें तो आप सिर्फ 99 रुपए में यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको QR कोड मिल जाता है, ये जो फॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पे फिल करके ये आप जो PDF है, फाइल है, इसको आप आपकी जीमेल आईडी पे भेज दी जाएगी, पूरी 1500 पेजेस की है, जो भी आपकी सारी डिटेल है, इस फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर पढ़ लें जा करके। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस तरह के डिजिटल कंप्यूटर किस तरह के कंप्यूटर को कहते हैं, ये हम समझ लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर, जैसा कि आपको नाम ही लग रहा होगा, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो जो कैलकुलेशंस होती हैं आपकी, लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं यानी कि तार्किक संक्रियाएं जो होती हैं वो आपकी हाई स्पीड में करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर को है डिजाइन किया जाता है। इट एक्सेप्ट्स द रॉ डेटा एज द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट और बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए एक चीज पे, डिजिटल कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं, एनालॉग कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि ये जो है एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्ट वैसे ही डाटा उठा लेता है जैसा यूजर देता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में एक फर्क है। इसमें देखिए एक शब्द यूज किया गया है, रॉ डेटा, यानी कि खराब डेटा, कूड़ा डेटा, दरअसल कूड़ा डेटा नहीं, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, रॉ डेटा मतलब एक तरीके से आपने जो डेटा दिया उसी को ये रॉ डेटा कह रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कैट लिखा, ठीक है, तो वो रॉ डेटा का एग्जांपल है, जो भी मान लीजिए आप इनपुट देते हो उसका रॉ डेटा मान लीजिए। एज इनपुट, रॉ डेटा जो आप इनपुट के तौर पर देते हो उस डेटा को ये कन्वर्ट कर देता है, यानी कि प्रोसेसिंग जब आती है तो प्रोसेसिंग में ये क्या करता है, उनको डिजिट या बाइनरी नंबर्स में बदल देता है। बाइनरी नंबर्स यदि आप नहीं जानते तो बाइनरी नंबर्स आपको इसी बुक में आगे पढ़ने को मिलेगा, 0 और 1 की फॉर्म में जो होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। एंड प्रोसेस, देखिए
सबसे पहले क्या करता है, आपके द्वारा दिए गए रॉ डेटा को एज इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है जीरो एंड वन के फॉर्म में बाइनरी नंबर्स में बदल करके, उसके प्रोसेस करने के बाद इट प्रोसेसेस इट विद प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन दिस मेमोरी टू प्रोड्यूस द आउटपुट, और मेमोरी में प्रोसेसिंग करके, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड फर्स्ट में बताया था, मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको एक नियत आउटपुट देखने को मिल जाता है। आर मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप्स एटसेट्रा इंक्लूडिंग स्मार्टफोन दैट इज यूज्ड एट होम और ऑफिस आर डिजिटल कंप्यूटर, जो भी हम आजकल यूज करते हैं, जो भी मॉडर्न कंप्यूटर, वो सारे एक डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के फायदा क्या है, इट अलाउज यू टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू रिसीव इट इजीली व्हेनेवर यू नीड इट। ये यहाँ पे बता रहा है कि जो ये है, जो बड़े अमाउंट में आपका इन्फॉर्मेशन डेटा को रिसीव एंड रिट्रीव करने के लिए उपयुक्त है। यू कैन इजिली एड न्यू फीचर टू डिजिटल सिस्टम मोर इजिली, अपने डिजिटल सिस्टम में आप बहुत इजिल से कोई भी फीचर ऐड कर सकते हो। मोबाइल में ले लीजिए, आप आराम से कुछ भी सेटिंग चाहो आराम से कर सकते हो। डिफरेंट एप्लीकेशन कैन बी यूज इन डिजिटल सिस्टम जस्ट बाई चेंजिंग द प्रोग्राम विदाउट मेकिंग एनी चेंज हार्डवेयर। देखिए यहाँ पे बात को समझिए इसकी, कि डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि डिफरेंट एप्लीकेशन आप एक ही डिजिटल कंप्यूटर में कर सकते हो, बस उसका सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत होती है। एंड्रॉयड एप्पल आईओएस, सॉरी एप्पल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, एंड्रॉयड आईओएस विंडोज लिनक्स आदि इत्यादि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका बस आप बदलिए और आपका डिजिटल कंप्यूटर एक नए फॉर्मेट में तैयार हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन, मतलब उसके हार्डवेयर में कोई परिवर्तन करे बिना, बस एक आपको सॉफ्टवेयर, मतलब एक एग्जांपल बताया कि आप एक डिजिटल कंप्यूटर से कई एप्लीकेशन आप करवा सकते हो, कई उसके उपयोग हो सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द आईसी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए बताया गया कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आईसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आईसी टेक्नोलॉजी में आपको बात बताऊं तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जो होती है, आपने कहते होंगे कि हमारे मोबाइल में आईसी चली गई, तो वो आईसी यही वाली आईसी होती है और ये सस्ती तरीके से, मतलब एनालॉग कंप्यूटर के उसमें देखा जाए तो उससे तो सस्ती होती है, ठीक है, जबकि उसमें नेक कुछ हो जाए तो बहुत जल्दी बेकार हो जाती चीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इसमें जो है काफी सस्ता होता है इन कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। इट ऑफर्स हाई स्पीड एज द डेटा इज प्रोसेस्ड डिजिटली। ये देखिए हाई स्पीड में जो है डेटा को प्रोसेस करता है क्योंकि जो उसमें डिजिटल बात है, जब डिजिटल है बात है डिजिटल है। इट इज हाईली रिलायबल एज इट यूजेज एरर करेक्शन कोड्स। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हाईली जो है रिलायबल होता है, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें जो एरर है वो नहीं हो सकती है जल्दी, क्योंकि इसमें जो करेक्शन मतलब ऑटोमेटिक करेक्शन को ठीक करने वाले जो कोड्स होते हैं वो जो है मतलब मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चीज बताई गई है एडवांटेज डिजिटल कंप्यूटर को, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स इन हाई इज हायर एज द आउटपुट इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉइज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेट्स कंपोनेंट्स। देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही मतलब बढ़िया चीज यहाँ पे लिखी गई है, जो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर में आपने क्या देखा था कि पहिया घूमा आपको वहां पे रिजल्ट मिला। अब पहिए को मान लो कोई टेम्परेचर, अब जैसे मान लीजिए आपका जब थर्मोमीटर का हमने एग्जांपल लिया था एनालॉग कंप्यूटर में, तो एनालॉग कंप्यूटर में थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया, मान लीजिए थर्मोमीटर से एक ऐसा थर्मोमीटर है जिससे हमें मौसम नापना है, तो मौसम जो होता है वो कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि वहाँ के ताप क्या था, आर्द्रता क्या थी, नमी क्या थी, मौसम में गर्मी कैसी थी, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसको यदि हम नहीं नापेंगे तो हमारी एरर त्रुटि आएगी ही आएगी। जबकि डिजिटल कंप्यूटर आपका कोई भी मौसम का प्रभाव यहाँ पे काम नहीं करता है, कोई नॉइज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है कोई इसका प्रभाव नहीं होता है, डिजिटल कंप्यूटर एक सही रिजल्ट एक आपको दे देता है। तो ये हो गए एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम डेटा हैंडलिंग के आधार पर तीसरे तरह का कंप्यूटर देखेंगे जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड जैसा कि आपको नाम ही समझ के आ रहा होगा, हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड मतलब ऐसा मान लीजिए कि हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों के फीचर हो, जैसे मान लीजिए कि आपका हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर भी हो डिजिटल कंप्यूटर भी हो। अच्छा इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका उपयोग होता है अस्पतालों में। अस्पतालों में क्या होता है कि आपका जब एनालॉग कंप्यूटर आपके मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनें होती हैं उसमें डिजिटल के रूप में आपका जो मान लीजिए आपका डिजिटल के रूप में मशीनों में भी दिखाता रहता है और साथ में बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एक अच्छा उदाहरण आप मान सकते हो। अस्पतालों में ही आपको देखने को हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है।
हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताएगी जो मैंने आपको बताया, हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों के फीचर होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के। इट इज फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर एंड हैज मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फास्ट होते हैं एनालॉग कंप्यूटर से और इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह होती है। इट कैन प्रोसेस बहुत कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। ये जो है कंटिन्यूअस सतत और असतत डेटा को बहुत ही मतलब दोनों डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज बताई गई है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था, एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्ट लेता था और देता था। इसमें क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनको ये कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, देन उसको प्रोसेस करता है और आपको एक आउटपुट प्रदान करता है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखी जाए। सो इट इज वाइडली यूज इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। ये वही बताई जा रही है कि स्पेशल एप्लीकेशन में प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर की जरूरत दोनों की होती है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोसेसर इज यूज इन पेट्रोल पंप्स दैट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इन टू क्वान्टिटी एंड प्राइस। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक बहुत ही कायदे कानून का यहाँ पे दिया गया है कि आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, पेट्रोल पंप में आपको जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल देखने को मिल सकता है। सो कैसे, वो ऐसे कि मतलब जो पेट्रोल पंप में होता है वो आपका प्रोसेसर लगा होता है जो काउंट करता है कि कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में जा रहा है। वो काउंट कहाँ से करता है, काउंट करने वाली मशीन कौन सी है, वो एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे क्या है, एनालॉग कंप्यूटर आपका वो है जो आपका पेट्रोल जिससे डाला जाता है, जो नली होती है वो जो लगाई जाती है वो एनालॉग कंप्यूटर का तौर पे काम करती है। और जबकि जो प्रोसेस करता है जो मतलब बताता है कि कितना पेट्रोल जा चुका है एनालॉग कंप्यूटर से, वो काउंट करता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो ये देखिए दोनों एग्जाम्पल मिल गए पेट्रोल पंप पे। सिमिलरली दे आर यूज इन एयरप्लेन्स हॉस्पिटल्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। देखिए वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि साथ ही एयरप्लेन में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में। एयरप्लेन में आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, हॉस्पिटल का हमने बता ही दिया, साइंटिफिक एप्लीकेशन यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। द फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम वॉज द हाईकॉम 250 रिलीज बाय पैकार्ड बेल इन 1961। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है कि जो पहला डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम था, क्या था, हाईकॉम 250, ये रिलीज किया गया था पैकार्ड बेल के द्वारा इन 1961। इस बात को याद रखा जाए, ये क्वेश्चन लायक सवाल है। एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर के फायदा क्या क्या है समझ लेते हैं। इट्स कंप्यूटिंग स्पीड इज वेरी हाई ड्यू टू द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनालॉग सबसिस्टम। यहाँ पे देखिए इसकी जो कंप्यूटिंग स्पीड होती है वो काफी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल जो ऑपरेशन होते हैं वो पैरेलल चलते रहते हैं, समानांतर चलते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं, टुगेदर चलते रहते हैं। इट प्रोड्यूसेस प्राइस एंड क्विक रिजल्ट दैट आर मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल। ये जो होते हैं बहुत ही कायदे कानून में बहुत फास्ट रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। इट हैज द एबिलिटी टू सॉल्व द एंड मैनेज बिग क्वेश्चन इन रियल टाइम। बड़ी बड़ी जो इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए, बड़ी बड़ी इक्वेशन का आशय मेरा यहाँ पे ये है कि जो साइंटिफिक क्षेत्र में जो उपयोग किए जाती है, बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है कि ऑर्बिट इधर से उधर सेटल करना है, किस हिसाब से पृथ्वी घूम रही है, वो जो ऑर्बिट है मतलब जो सैटेलाइट है वो किस हिसाब से घूम रही है, जो बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, उसके लिए हमें बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर जायंट कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रयोग हो रही है कि जो है इक्वेशन इन रियल टाइम चाहिए होती है, ठीक है। तो बता रहा हूँ आपको कि इक्वेशन की जरूरत जो बड़ी बड़ी होती है वो वहीं पे जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मैथ में जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। इट हेल्प्स इन द वन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग, इन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में भी इसका उपयोग होता है। चलिए अब यहाँ पे तीन तरह के हमने कंप्यूटर पढ़ लिए, डेटा हैंडलिंग के आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहले हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, खत्म हो गया, डिजिटल कंप्यूटर खत्म हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट थर्ड एपिसोड में हम पढ़ेंगे और हम इसकी वैरायटी देखेंगे, वो अदर बेसिस पे होंगी। ये था डेटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज के आधार पे, और जो नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 3 आएगा उसमें हम किसी अदर कैपेबिलिटीज के आधार पे देखेंगे। साथ ही लास्ट में जाते जाते वीडियो में आपको ये बता दूं कि आपको ये जो बुक है इसको परचेज कर सकते हैं आप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो जो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है।